जब लगा हुआ था तो उतारा क्यों? ये मैंने पंखा चेंज करवा लिया है, ये पुराने वाला है, इसको धोया है, साफ़ सुथरा किया है और ये दूसरा नया पंखा लग गया है। तो अभी देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता, इसकी हवा कैसे आती है। तो बाहर स्विच बोर्ड भी लगवा रही हूँ, ये पंखा लगवाना है इधर इस जगह पे, ये पंखा इधर लगेगा कॉमन रूम में, और बाहर मैं बोर्ड लगवा रही हूँ, ये मशीन का बोर्ड मैं लगवा रही हूँ इधर, क्योंकि मशीन कपड़े धोने वाली मशीन इधर ही लगानी है, ये पड़ी है ना। इसका ये बटन किसने चलाया? मैंने चलाया, चलने दो। अच्छा मैं चेक कर रहा हूं। अच्छा अच्छा आंटी, ये बोर्ड अगर ठीक है तार निकली है तो यही लगा दो, उसको रहने दो फिर। ये हमारी मेन एंट्रेंस है बेटा, इस जगह पे पानी मार के ना ये साफ कर लिया करो, सारी जगह बहुत गंदी हो रही है। अच्छा अच्छा ये पंखा लग गया। हाँ मैं आ रही हूँ, देखती हूँ, पंखा भी लग गया, हवा भी सही आ रही है अब तो। करंट तो नहीं है उसमें? ये ले लीजिए, हमारी मशीन का बटन भी लग गया, अब इधर हम मशीन भी लगा सकते हैं। सारा गंद हुआ हुआ है, ठीक है क्या? ये बटन हमारा लग गया इधर, लाइट भी किसी ने बंद नहीं की थी, अभी मैंने बंद कर दी, मशीन हमारी चल पड़ी। चले जी, अब ये हम पंखा इधर लगवा रहे हैं, ये वाला चलो उधर बाहर, किस लिए? ठीक हो गया बेटा, इसके अलावा बस यही दो काम थे, दो थे। हाँ इतने काम में भी तुम्हें मसला हो रहा था, हैं? थोड़ी डांट डपटना होती ना तो फिर तुमने कभी भी नहीं करना था। और तुम्हें पता है यहाँ जितने भी बंदे हो मैं उन्हीं से काम करवाती हूँ जिनसे शुरू से करवाती आ रही हूँ काम, और जिन पे एतबार है, ऐसे मैं कभी करवाती भी नहीं काम। हाँ और मुझे भी पता है ना कि मैं जिस वक्त कॉल करूंगी उसी टाइम आओगे फौरन। किचन में चलते हैं, चल के सहरी बनाते हैं, टाइम हो रहा है। ये देखें राहीन का कमरा, इसकी मैंने सेट किया है, यहाँ लाइट्स लगवाई हैं ब्लू वाली, ये देखें पूरी दीवार पे ये ब्लू वाली लाइट्स लगवाई हैं, इतनी खूबसूरत लगती हैं। मेरे इस मोबाइल का कैमरा सही नहीं है और वहाँ पे वो मैंने इसका मिरर लगवाया है, तो अभी इसका वो सही नहीं है कैमरा, ये देखें तो सारी धुंधला हो जाएगा। तो ये वाला फ़ैन मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे लगवाया है, और अब मैं किचन में जाऊँगी, रोटियाँ बनाऊँगी। बच्चों की, बेटे की बना के रख दूँगी। सहरी का टाइम हो रहा है तो बस अभी मैं उठूँगी, सहरी बनाऊँगी, और जैसा कि मैंने दोपहर में आपको बताया था कि पंखा मेरा लग गया, अल्लाह का शुक्र है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हवा भी ठीक आ रही है, क्योंकि नया पंखा है और इसकी सही हवा बिल्कुल ठीक आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, और मगर गर्मी तो ऊपर के पोर्शन में है ही है, और इधर से जाली भी टूटी हुई थी जिसमें अभी मैंने ये देखा, इस बेचारे को पैचेस लगाए हैं, इसमें से मच्छर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं पंखे को फुल किया हुआ है, आवाज़ भी उसकी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है उसमें, की वजह से ना पूरा कमरा, क्योंकि कमरा बड़ा है और पंखा जो था वो वाला ख़राब था, तो उसको उतरवा के मैंने बाहर लगवाया, ये देखें उसको उतरवा के तो मैंने उधर लगवाया बाहर, और ये वाला जो है नया पंखा यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखें
ये लगवाया हुआ है नया पंखा मैंने, तो अभी बस मैं सैरी बनाने लगी हूँ। थोड़ी देर में तकरीबन 15-20 मिनट तक सैरी बनाऊँगी। तो बेटा भी आ रहा है, इसको मैंने कहा था तुम दही लेते आओ क्योंकि दही हमारी ख़त्म हुई हुई है, लस्सी बनानी है, और मैं साथ में रोटियाँ बना लूँगी और अंडे पड़े हुए एक दो, तो अंडे साथ बना लूँगी, बस सैरी हो जाएगी हमारी। तो चलें जब मैं सैरी बनाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ, चूल्हा जलाएं। गैस आ रही है, चलें जी अब मैं रोटी बनाना शुरू करूँ। और तवा मैंने रख दिया, आटा मैंने निकाल लिया, अब हम अपनी रोटियां स्टार्ट करते हैं बनाना। सर मैं नया घर नया किचन, वो समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से करें, ना तो है ना आखिर। अभी एक परेशानी और भी बनी हुई है, वो जिस पुराने घर में मैं रहती थी उसके नीचे वाले पोर्शन में मैंने एक काले को घर दिया हुआ था, तो वो घर खाली कर ही नहीं रहा है। आज करता हूँ कल करता हूँ, करते करते ये टाइम लगा दिया। कल नए घर की ट्रांसफर है सुबह, और वो अभी तक खाली नहीं कर रहा। अभी मैं सहरी बना के तो जाऊंगी और उसको निकालूंगी, क्योंकि कल हमने उनको घर खाली देना है। बड़ा तंग किया हुआ उस बंदे ने, मैं शाम को भी गई हूँ उसके पास लेकिन वो खाली करने का नाम नहीं लेता। अभी यहाँ किचन में ना एग्जॉस्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, क्या करें। चलें जी, रोटी हमारी तैयार हो गई है। ये मैंने बेटे और उसके दोस्तों की बना के रख दी है रोटी। सालन मैंने गरम करके यहाँ रख दिया, आएंगे तो फिर अंडा बना दूंगी। ये सालन है, लाइट करते हैं बंद, कुंडी भी लगाती है इधर से। नारे टांगों में बड़ा शदीद दर्द है। ये जी अंडा, अंडा और ये रोटी, सूखी रोटी, पराठा तो मैं खाती नहीं हूँ। चलें आए, आप लोग भी सहरी करें, दुआओं में याद रखें हमें, और सहरी करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये गुजरात जाता मनाना अपनी मिठाई की दुकान बंद कर देते। अभी कहता है जब तू नहीं था तो मैं उसको लेके उधर घूमता रहा, जब तू तारी था जब मैं उधर सुता पे था मना तू की नहीं लाए घूमना रे। ओ सिर्फ ये मैकडॉनल्ड्स और सिपाही जी नहीं सी वापस आ गए रोड पे टोर के। कॉफी तो सने अबू और पीने में कॉफी और अपने से ये खरीदी थी, मैं कह रही ये आपके लिए खरीदी है ना, मारा यूज किया। दिल कितना उन्होंने खोला है अपने, असली असली दिल खोला है, असली दिल नहीं खोला नहीं।